शांति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं, अब मेरी बात सुनिए आज। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही नहीं है कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे, संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी, मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी दो सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ओबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से, रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ, अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे, लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3, हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब, हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है, हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने, मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर, ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं, सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेमडेसिविर, मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा, ये हालत है। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बड़ा बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी, नहीं प्लीज 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 आई डोंट वांट माय टाइम, मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं, अब मेरी बात सुनिए आज, शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना, एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, नहीं साहब कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूंगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया, अरे साहब ये सिस्टम कौन क्या है, बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है, अगर वो सिस्टम फेल किया है चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल गई, सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए, हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी।